हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये क्या कर रहे हो बेटा? और अभी मॉर्निंग के हो रहे हैं 11:30 और हम दोनों नहा चुके हैं। सारा काम वगैरह फिनिश कर लिया है, हम दोनों ने नहा लिया है और इनको जो है इनके पापा ने नहलाया है, क्योंकि यार ये नहाने में इतना ज़्यादा परेशान करते हैं और इस टाइम पे काम इतना होता है। यार मुझे तो समझ में नहीं आता है कि मेरे घर में इतने सदस्य भी नहीं है, मतलब नीचे हम 3 लोग रहते हैं, ऊपर 3 लोग रहते हैं, लेकिन गंदगी इतनी ज़्यादा होती है कि डेली साफ करो फिर भी बहुत गंदगी होती है। तो बस आजकल यही चल रहा है, बच्चों के चक्कर में काम बहुत ज़्यादा हो जाता है और सबसे ज़्यादा तो ये फैलाते हैं। 3 लोग कहाँ, 3 लोग हैं लेकिन सबसे ज़्यादा ये फैलाने वाले में से हैं। और हमारे यहाँ छोटू भी मतलब गंदगी कम नहीं करते हैं, वो भी बहुत करते हैं। कोई सामान यहाँ से उठाया वहाँ रख दिया, वहाँ से उठाया वहाँ रख दिया, तो उनकी भी आदत है थोड़ा सा। लेकिन मेरी आदत थोड़ा सा ऐसी है कि बिल्कुल भी इधर उधर सामान फैला हुआ नहीं अच्छा लगता है। और आई थिंक अभी इनको निन्नी आने लगी है, और पता है 2 दिन से हम इनको खुद ही संभाल रहे हैं क्योंकि इनके बाबा जो हैं वो थोड़ा सा काम से गए हुए हैं बाहर, वो इस टाइम पे नहीं हैं। और आज घर में बाहर लगा हुआ है हलवाई, तो अभी आपको वो भी दिखाते हैं। और हलवाई क्यों लगा है ये आपको ब्लॉग देखकर पता चल जाएगा। यार काम का तो यार इस टाइम पे पता नहीं, यार दिन भर में कम से कम 4-5 बार तो हम ही कपड़े चेंज करते हैं, बाबू चेंज करते हैं, क्योंकि कभी टॉयलेट कर लिया, कभी कुछ खाया वो गिरा दिया, कभी पानी पिया वो गिरा दिया। इतना शैतान बच्चा, ये कुछ भी नहीं खाते हैं, मतलब सब कहते हैं ये खिलाओ वो खिलाओ दाल का पानी पिलाओ, लेकिन मुझे पता है ना ये बहुत ही शैतान बच्चा, ये कुछ नहीं खाता, बस भूख लगेगी तो दूध थोड़ा सा पी लेंगे उसके बाद कुछ। और पता है खड़े तो हो ही नहीं सकते, बेड से उतर जाएंगे, जीने पे चढ़ जाएंगे, लेकिन अगर खड़े करोगे तो बिल्कुल नहीं खड़े होते हैं ये। तो वही मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा और एक्स्ट्रा केयर करूँ इनकी, खिलाऊँ पिलाऊँ, लेकिन कैसे खिलाऊँ यार, जब ये खाते ही नहीं तो मैं क्या करूँ? जैसे इनके मुँह में घुसेड़ती हूँ, मतलब कभी कभी लोग कहते हैं कि आप 2 घंटे खिलाओ 3 घंटे खिलाओ फिनिश कराओ इनको, मैं ऐसा करती हूँ लेकिन ये तुरंत बाहर निकाल देते हैं, तो यार मन ही नहीं करता है। पता चलता है कि जितना खाया भी है थोड़ा बहुत जो गया है वो भी बाहर निकल आता है, इस वजह से मैं और नहीं खिलाती हूँ इनको ज़्यादा। क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो बाबू, क्या देख रहे हो बाबू? बाबू पैर छू लो, पैर छू लो, पैर छू लो, पैर छू लो। ये गुड बॉय, बहुत बड़ा, ये गुड बॉय, बहुत बड़ा, अपने आप ही बड़ा कर ले रहे हैं। अब ये बहुत परेशान करते हैं हमको, अभी देखिएगा इनका हम मोबाइल उल्टा कर देंगे तो ये सीधा कैसे करते हैं। ये देखा, इन्होंने तुरंत सीधा कर लिया है और अब ये थोड़ा सा समझदार होने लगे हैं। और यार नेट तो इस टाइम पे बसता ही नहीं क्योंकि बाबू, यार बाबू इतना देखने लगे हैं मोबाइल। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ये कोई चीज़ देख रहे हैं तो मैं इनको डाउनलोड कर देती हूँ, लेकिन पता चलता है डाउनलोड वाली चीज़ ये सिर्फ 2 दिन देखेंगी, उसके बाद इनको कुछ नया चाहिए। और ये अब तो अपने आप ही मतलब चला लेने लगे हैं, जो नीचे खुल के आ जाते हैं बस उस पर ऐसे से टच करके चला लेते हैं। तो कभी कभी तो ये ऑनलाइन वाला देखते हैं, मतलब वो पहिया चला करता है और फिर उसके नीचे जो सामान रखी होती है वो मतलब उसी के ऊपर चलती है ना गाड़ी, तो वो वाला ये बहुत देखते हैं। ये तो ये जो है इसके जो ये भी मैंने 1-2 डाउनलोड कर दिए हैं, लेकिन ये क्या करते हैं ये नया नया खोला करते, जैसे ये इंड होगा बस नया आ जाएगा, नया खोल देंगे तो पता चलता है यार नेट तो बिल्कुल मतलब बचता ही नहीं इस टाइम पे। तो आज खाने में है रोटी चावल और ये सब्जी जो है वो शाम की है, और इधर है दही, और ये आज बनी है मसूर की दाल और बहुत खड़ी खड़ी सी लग रही है, आई होप कि खाने में टेस्टी होगी। और इधर आ गया है मिर्ची का ढेर सारा अचार, और नमक जो है ये वाला है लहसुन और हरी मिर्च वाला, तो ये वाला नमक डालेंगे और बस अब खाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बाहर हलवाई जो है वो बना रहे हैं और इन्हें कुछ स्नैक्स वगैरह बनाने के लिए बुलाया गया है। इधर बन रही हैं ये मठरी और आई थिंक नमकीन और खुरमा वगैरह भी बनेगा। तो ये जो हलवाई हैं वो हमारे घर के ही हैं एक टाइप से, मतलब बहुत अच्छे हैं, जान पहचान में हैं। तो अभी हम इन्हें चलते हैं बनाने देते हैं क्योंकि हमें आज जाना है बाहर, क्योंकि हमें थोड़ा ज़रूरी ही काम है, बाबू के कपड़े वगैरह लेने हैं तो हमें जाना है शॉपिंग। तो अभी हम आ गए हैं जापान एजेंसी और यहाँ से हमने बाबू के कपड़े ले लिए हैं, अभी हम चलते हैं कुछ खाने के लिए क्योंकि हम बाहर निकले और कुछ खाएं पिए ना ये हो ही नहीं सकता है।
वैसे मुझे बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगी है, क्योंकि हम लोग जैसे खाना खाने चले थे तो बाबू ने पॉटी कर दी थी, इस वजह से हम लोगों ने ज़्यादा तो नहीं खाया था, लेकिन मैंने पहले ही थोड़ा सा खा लिया था। इन्होंने तो स्टार्ट भी नहीं किया था, इसलिए इनको तो भूख लगी है, इसलिए अभी हम लोग कुछ खा पी लेते हैं। बताओ कुछ क्या लेना है, तुम बताओ, अब तो हमेशा बता दो। क्या पानी ठंडा? जुकाम है, बाबू 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 गरम होगा, गरम है ना? गरम है ना? दिखा दो, दिखा दो, दिखा दो। नो नो नो, खा लो खा लो खा लो। तो अभी हम खा चुके हैं और बाबू बहुत शैतानी करने लगे थे और इन्हें बिरयानी भी खानी थी, तो ये बिरयानी खाने लगे हैं और हम बाबू को संभालने लगे हैं, क्योंकि यार मुझे बिरयानी जो है वो थोड़ा कम पसंद है, हमने कबाब पराठा ही खाया है। तो हम बाबू को संभालने लगे हैं, क्योंकि बाबू अगर नहीं संभालेंगे तो बाबू खाने ही नहीं देंगे हम दोनों को। तो अभी हम लोग जल्दी जल्दी खा लेते हैं, फिर निकलते हैं घर के लिए। और ये देखिए, ये रही हरी मिर्च, ये है लहसुन, और लहसुन कम है थोड़ा सा, ये लेने गए हुए हैं। और ये देखिए, ये पूरा 2.5 किलो मिर्च आई थी और मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए पता नहीं पापा ने शायद इसको धूप में रख दिया, मैंने धुलकर बस थोड़ा सा ये सूख जाए इसलिए मैंने इसको रखा था, लेकिन ये पूरा दिन धूप में रखी रही, किसी को याद ही नहीं रहा, इसलिए ये थोड़ा सा सूख गई है। और इधर हमने इसके जो ये हैं निकाल दिए हैं, और अभी चलते हैं इसका बनाएंगे हरी मिर्च का अचार। और अचार जो है वो हम पहले ही आप लोगों से शेयर कर चुके हैं कैसे बनाते हैं हम, और इसका अचार बहुत अच्छा लगता है मुझे, दाल चावल के साथ तो स्पेशली बहुत अच्छा लगता है, इसलिए अभी चलते हैं और बनाते हैं अचार। तो ये देखिए, हमने इनके कपड़े वगैरह चेंज करवा दिए हैं और ये अपने काम में लग गए हैं, मतलब ये देखने लगे हैं अपना मोबाइल। तो अभी हम ऊपर गए थे तो मम्मी की तबीयत थोड़ा ख़राब है, मतलब फ़ीवर वगैरह हो गया है, तो हम उनसे पूछ रहे थे कि मतलब अभी चाय बनाने जा रहे हैं तो समोसे मंगवा लें, तो बोला कि नहीं, समोसे उनका मन नहीं कर रहा है खाने का, उनका मन कर रहा है मैक्रोनी खाने का, क्योंकि यार फीवर वगैरह आता है तो अजीब सा टेस्ट हो जाता है, तो उनको टेस्ट नहीं आ रहा था, तो वो बोल रही हैं कि मैक्रोनी बना दो। तो अभी हम इनको यहाँ देखने देते हैं और इनकी बुआ को बुला लेते हैं, क्योंकि पापा जो हैं इनके वो गए थे लहसुन लेने, लेकिन अभी हमने फ़ोन किया तो वो हेयर कट वगैरह भी करवाने लगे हैं। तो अभी हम दीदी को बुला लेते हैं कि इनके पास बैठ जाएं और हम चलते हैं मैक्रोनी बना लेते हैं। आ गई हमारी मैक्रोनी, तो अभी हम लोग खाएंगे मैक्रोनी, उसके बाद देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं। और ये देखिए, इधर बाबू के खेलने की सारी सामान रखी, इसको हम इस कमरे से उस कमरे में, उस कमरे से इस कमरे में लेकर आया करते हैं। तो अभी चलते हैं, हम खा लेते हैं मैक्रोनी, फिर आपसे मिलते हैं। और ये देखिए, ये हलवाई ने बनाया है मीठे खुरमा, और ये है नमक पारा, बेसन सेव है, और इधर इसमें है मठरी, मठरी थोड़ी कम ही बनी है, बहुत ज़्यादा नहीं बनवाई है। ये देखिए, तो पापा जा रहे हैं इसीलिए ये सारा सामान बना हुआ है, और अभी चलते हैं। ये अच्छे से अभी गर्म है, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए उसके बाद इसको पैक कर देंगे। और ये देखिए, इनके बाल देखिए, इन्होंने बाल बहुत छोटे करवा लिए हैं। भैया मेरे बाल नोच लेता है इसलिए। अच्छा, और पापा जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पापा? पापा जाएंगे गया, पापा जा रहे हैं गया,
गया, गया। पापा जा रहे हैं गया बिहार, और बिहार में पड़ता है, इसीलिए ये सारी तैयारियां हो रही हैं और घर के लिए भी है।